10 से 15 मिनट अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, देन इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे, ठीक है ना। तो एक बार वीडियो क्वालिटी और वॉइस चेक कर ले, देन हम लोग अपना प्यारा सा लेक्चर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th शुरू करते हैं, ठीक है ना। आइए जरा, तो सबसे पहले हमारे में क्या आया था भाई, अगर हम बेसिक चीज़ें पहला कुछ पॉइंट के हिसाब से रिवीजन लिखें हम, ताकि चैप्टर हमारे कुछ पॉइंट में पूरा याद हो जाए। तो हेडिंग डालिए रिवीजन, ठीक है ना, हेडिंग डालिए, सही है स्पेलिंग ना, RIVISION रिवीजन, ठीक है ना, कुछ भी गलत होगा तो इग्नोर मारिएगा। आइए सबसे पहला पॉइंट, हमने सबसे पहले पॉइंट में क्या देखा था भाई कि कोऑर्डिनेट में अपना हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस देखा था, है ना। हम लोग 2D से डील करते हैं ना कि 3D से, तो ये हमारा होता है x एक्सेस, अरे यहाँ की ना, ये हमारा होता है y एक्सेस, कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग 2D से डील करते हैं, इसलिए हम लोग z एक्सेस की बात ही नहीं करते हैं, हम z एक्सेस के बारे में कोई भी ऐसा मेजर डिस्कशन नहीं लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज दुनिया जानती है कि 3D भी होती है, 4D भी होती है, है ना। अभी तो 8D भी आ गया, अगर आपने सुना होगा तो, मैंने भी कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, है ना, 8D 6D 3D बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन हम क्लास 10th में 2D से डील करेंगे। तो ये हमारी x एक्सेस है, ये हमारी y एक्सेस है, हर कोई जानता है कि x एक्सेस का ये पूरा साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। ये हमारा पूरा इस साइड नीचे वाला y का नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव होता है, राइट। हर कोई जानता है थर्ड क्वाड्रेंट पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा समथिंग -a, -a होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर जस्ट इसके अपोजिट जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारे सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और इसमें हमारा x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसमें कोई ऐसा बिग डील नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि लाइक कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है वो अगर पैरेलल टू x एक्सेस होगी, है ना, मान लो कोई लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सेस है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे इस लाइन का y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस है ना, जो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस है उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, जैसे इस लाइन में मान लो ये यहाँ पे कहें समथिंग 0, b कट कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो भी इसका पॉइंट x, b होगा, x कुछ भी हो सकता है लेकिन y भी रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा x तो कुछ भी होगा, x कैन कुछ भी, लेकिन y हमेशा b रहेगा, है ना। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सेस देन y कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन रिमेन सेम, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। वाइस वर्सा आल्सो ट्रू है, अगर कोई भी लाइन, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी तो उस लाइन में मान लो कि ये जो यहाँ पे 0, a, 0 पे कट कर रही है, तो ये फिक्स है कि इस लाइन पे वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है उसमें जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम रहेगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये तो आप जानते होगे ना कि x एक्सेस में y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सेस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन x एक्सेस y इक्वल टू 0 एंड y एक्सेस x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, y एक्सेस में x इक्वल टू 0 होता है। जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा तीन पॉइंट है जिसमें हमने तीनों पॉइंट को धीरे धीरे स्लो स्लो वे में पढ़ा, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, है ना, अभी रिवीजन भी मिटा दो क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं, फोर्थ पॉइंट में अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बताऊं, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला भी देखा है भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो अगर मान लो कोई पॉइंट हमारा P दैट इज x1 y1 है और कोई दूसरा पॉइंट Q हमारा x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्यार से d बोलते हैं। तो d इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऐसा कोई नियम नहीं है किसी भगवद गीता या फिर किसी कुरान में, नहीं लिखा गया है कि आप x2 माइनस x1 लिखो, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो सारी चीजें आपस में बैलेंस हो जाएंगी, सो डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए, तो
अब यहीं से कुछ बातें निकल के आती हैं जो मैं आपको इसी में कवर करूंगा, दैट इज 4.1. जैसे कि ये हमारा एक्सेस है, ठीक है ना, और ये मान लो कोई पी पॉइंट है, दैट इज ए एक्स कॉमा वाई, ठीक है, पी पॉइंट को हम एक्स कॉमा, या फिर आप अगर आप बोलो तो मैं इसको एक्स वन वाई वन बोल देता हूँ, एक्स वन और वाई वन, ठीक है ना। तो इस पी पॉइंट की एक्स एक्सेस से डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एक्स एक्सेस ये हो जाएगी हमारी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एक्सेस से, तो मॉड ऑफ वाई हो जाएगी। मॉड क्यों लगा रहे, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम मॉड लगा के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट भी लगा हुआ है, ऐसा सोच सकते हैं। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन पी एंड वाई एक्सेस की अगर बात होगी तो आ जाएगी आपको मॉड एक्स, ठीक है ना। चलिए ये बातें हमको पता होनी चाहिए, और आगे अगर मैं 4.2 भी इधर लिख दूं, 4.2, ठीक है ना, 4.2 क्या बोलता है कि मान लो तीन पॉइंट आपको दे रखा है, एक पी दे रखा है ना, एक क्यू दे रखा है और एक आपको आर दे रखा है, थ्री पॉइंट गिवन है, कोई दिक्कत, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है और आर दे रखा है, तो इन तीन पॉइंट में तीन बातें हो सकती हैं। अगर आपके पास तीन पॉइंट अवेलेबल है, अगर आपके पास तीन पॉइंट पड़े हैं तो आप उनसे क्या क्या बना सकते हो। पहली कंडीशन, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाए आपके एक ही लाइन में लाई कर जाए, तो उनको कोलिनियर बोलेंगे, यस और नो, इफ दीज, सॉरी, इफ दीज थ्री पॉइंट लाई इन द लाइन कॉल्ड कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट मतलब एक लाइन में लाई कर जाए तो इनको क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। और हम कैसे जानेंगे कोलिनियर है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालिए, है ना, मतलब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकालिए और डिस्टेंस बिटवीन आर पी निकालिए, आर पी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो होगा वो तीसरे पॉइंट के बराबर, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब मान लो कि अगर इसके डिस्टेंस को ए बोल दूं, बी बोल दूं, सी बोल दूं, तो ए प्लस बी जो हो जाएगा वो सी के बराबर आ जाएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। और अगर इफ इफ दिस थ्री पॉइंट मेक ट्रायंगल, अगर ये तीनों पॉइंट क्या बना रहे, ट्रायंगल बना रहे, क्योंकि तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल भी बनाया जा सकता है, अरे हाँ कि ना, इफ दिस थ्री पॉइंट मेक ट्रायंगल, ट्रायंगल देन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दो पॉइंट का जो, दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है ग्रेटर देन थर्ड आनी चाहिए, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना, तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया भाई कंडीशन ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर और मेकिंग ऑफ ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो कंडीशन क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन तीसरे के बराबर होनी चाहिए और कोलिनियर में इक्वल होना चाहिए, जैसे लाइक चिंदी वाली बातें, सो उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं। चलिए तो ये हमारा 4.1 क्या था, अपना उससे डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस। फिर अगर तीन पॉइंट आपको दे रखा है तो अगर आप उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो वहां से आप प्रूफ कर सकते हैं कोलिनियर है कि नहीं है। 4 पॉइंट आप इसको चाहो तो इसको 4.3 बोल दो, ठीक है ना, तो इनको ऐसे थोड़ा सा मार्क कर दो ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए। चल, और अगर इधर ही बात कर ले, थोड़ा बोर्ड, एक बोर्ड में अगर सारी चीजें रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5वां पॉइंट देख लो जरा, स्लोप के बारे में बात कर ले, एस एल स्लोप, स्लोप की अगर बेसिक मीनिंग या बेसिक डिफिनेशन में जाना है तो स्लोप का बेसिक मीनिंग, बेसिक डिफिनेशन क्लियर है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है, यह इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर वहीं पर मान लो कि ये पॉइंट आपको पी दे रखा है ना, और ये पॉइंट मान लो आपको क्यू दे रखा है, पी और क्यू हमारा एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू है, सिमिलरली मैंने पी और क्यू पहले लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो यहां से जो स्लोप आ जाएगा वो आता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस
एक्स वन, ये दो स्लोप के फॉर्मूले हैं। एक तो m इक्वल टू टेन थीटा, m मतलब स्लोप होता है, स्लोप को डिनोट करने के लिए हम m अल्फाबेटिकल का यूज करते हैं, तो m इक्वल टू टेन थीटा होता है, या फिर m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। स्लोप का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ कितना एंगल बना रही है उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है, उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। चलिए अब एक चीज और आप प्रूफ कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट, तीन पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर है कि नहीं, इसको आप स्लोप वाले मेथड से प्रूफ कर सकते हो। देखो जरा P, Q और R तीन पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। एक काम करो आप स्लोप ऑफ PQ निकाल दो और स्लोप ऑफ QR निकाल दो, ठीक है, स्लोप ऑफ PQ निकाल दो और स्लोप ऑफ QR निकाल दो। अगर दोनों लाइन के बीच का स्लोप सेम आ जाएगा, दोनों लाइन के बीच का स्लोप सेम आ जाएगा, मतलब लाइन हमारी या फिर पैरेलल है या फिर क्या है, हमारी लाइन कोलिनियर है, मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, सिंपल सा फंडा है ना। अगर स्लोप सेम आ गया तो हम यहां से बोल सकते हैं कि पी क्यू आर इज कोलिनियर, कोलिनियर सिंपल फंडा। अगर ये स्लोप सेम आ गया तो पी क्यू आर इज कोलिनियर, एक हमारा इस तरीके से कोलिनियर देखना है और एक हमारा इस तरीके से कोलिनियर देखना, ठीक है ना। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे पूरे बोर्ड में तो नहीं हुआ है ना, पांचवें पॉइंट में भी हमारा खत्म नहीं हुआ, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले हमने एक्सेस के बारे में देखा भाई कि एक्सेस क्या होता है, राइट। हमारे पास हम 2D में डील करते हैं इसलिए हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है। नेक्स्ट फिर हमने इसके बाद पढ़ा भाई कोऑर्डिनेट एक्सेस में, जैसे लाइन अगर कोई पैरेलल बना दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा बना दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इधर ही अगर एक बात और जान लोगे, वो लाइन जैसे स्लोप वहां पे डिस्कस किए, वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका जो स्लोप हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयर स्लोप इक्वल टू जीरो, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देयर स्लोप इज जीरो, ठीक है ना। वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, उसका स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। सिमिलरली वो लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, वो लाइन जो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस होगी, वाई एक्सेस और पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस और पैरेलल टू एक्स एक्सेस, उसका स्लोप कितना होगा, जीरो। वो लाइन जो आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस होगी, एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर होगी और पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो उसका स्लोप जो आ जाएगा वो वन बाय जीरो या फिर नॉट डिफाइन आप बोल सकते हो, 1 by 0 या फिर not defined बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एंगल 1090 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1090 बन रहा है और 1090 जो होता है वो 1 by 0 या फिर not defined होता है, 1 by 0 या फिर not defined होता है, ठीक है ना। तो ये भी हमको चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से बहुत सारे पॉइंट देखे, पहला पॉइंट तो m 0 कब हो जाएगा, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका स्लोप 0 हो जाएगा, इफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1 by 0, ठीक है ना। इसके बाद हमने देखा कि एनी लाइन ऑन पैरेलल टू x एक्सिस देन देयर y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज सेम, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। सिमिलरली ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सिस x इक्वल टू 0, है ना, एक्सिस की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, डिस्टेंस में भी हमने बताया कि x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सिस से क्या होगी। इसके बाद हमने p की वार अगर हमारे कोलिनियर है तो सम ऑफ द टू पॉइंट के बीच डिस्टेंस होगी वो तीसरी के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर ट्रायंगल बना रहा है तो टू साइड का जो सम है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए, ट्रायंगल की बेसिक कंडीशन यही होती है ना। इसको आगे चल के हम इन मॉडुलस यूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं 11th में, अभी नहीं। फिर यहां से हमने देखा स्लोप के बारे में, स्लोप का मतलब क्या हुआ, कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, है ना। कितना एंगल बना रही है उसके टेन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना। टेन थीटा निकाल लो, स्लोप निकल जाएगा। एम इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, ये हमारा पॉइंट अगर गिवन है, अगर पॉइंट गिवन है तब के केस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद अगर पी क्यू आर, अगर मैं पी क्यू और क्यू आर के बीच का स्लोप निकालता हूं, अगर दोनों स्लोप सुबह सेम आ जाता है तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, यहां से भी हम बता सकते हैं। चलिए इसको जल्दी नोट डाउन कर लो, कुछ और फॉर्मूले की बात कर लें, अभी तक खत्म नहीं हुआ रिवीजन, अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। अभी हम पांचवें पॉइंट में हैं, अभी हम सिक्स पॉइंट में मूव कर रहे हैं। चलें आइए, सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर ये सारी चीजें थोड़ा सा और बता दे, सेंट्रोइड बता दे, है ना, बेसिक बेसिक बातें थोड़ा सा, ये सब सारी चीजें अगर कवर कर देंगे तो अभी इन डिवीजन फॉर्मूला भी आपको बताना है, थोड़ा सा सब्र कर ले, रिवीजन एक बार करा लेंगे, फिर पीवाई क्वेश्चन
कराने में हार्डली आधे घंटे एक घंटे में हो जाएगा, सो डोंट वरी, है ना, आप होशियार हो, मैं जानता हूँ। चलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चैप्टर आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, है ना, एक बार समझ में आ गया तो क्लास इलेवेंथ में जाते ही आपका बिल्कुल ये स्वागत करेगा आरती की थाली लेके, जैसे दया करते हैं ना हम मेहमानों का, है ना, तारक मेहता वाली दया है, अगर आप लोग देखते हो तो समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो देखते हैं हम लोग ना फिफ्थ पॉइंट तक डिस्कस कर लिया, राइट, देखिए यहाँ पे सिक्स पॉइंट, ओहो ये तो स्वागत हो गया भाई, तो हमारे साथ बुरा हो गया, चलिए कोई नहीं, हमारा कपड़ा बच गया, इस बात की खुशी है। चलिए पॉइंट नंबर सिक्स, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला। आइए तो जैसे मान लो थोड़ा छोटा रखिए, ये P दैट इज x1 कॉमा y1 है, राइट, अभी लिखना पड़ेगा, ये हमारा Q है मान लो x2 कॉमा y2 है, कोई पॉइंट जो R है वो PQ को m रेस टू n में डिवाइड करता है, PQ को m रेस टू n में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे जो R का कोऑर्डिनेट आ जाएगा R इक्वल टू m इंटू x1, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n कॉमा n इंटू y2 प्लस m into y2 cross multiply plus n into y1 divided by m plus n, ठीक है ना। यहीं पे मैंने एक बात और आपको बताई थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि यहां पे लिखते हैं, जगह इधर खाली है, if ratio, है ना, मान लो आपसे रेशियो पूछ रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इफ रेशियो इज आस्क, अगर रेशियो पूछा है तो कभी भी m raise to n assume नहीं करेंगे, कभी भी m raise to n assume नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, then lambda raise to 1 मानेंगे, चाहे lambda raise to 1 मानो, चाहे m raise to 1 मानो, चाहे जो भी मानो, लेकिन एक चीज को 1 मानना ही मानना है, अगर रेशियो पूछता है तो, if ratio is asked then कभी भी हम m raise to n direct assume नहीं करेंगे, हम क्या assume करेंगे, lambda raise to 1, एक पार्टी को 1 assume करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलिए अब बात करते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सिक्स के बाद सेवन, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, बिल्कुल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दे रखे हैं और ये हमारा मान लो एक्स थ्री वाई थ्री है, ठीक है, तो सेंट्रॉइड को हम जनरली क्या हमेशा जी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो आता है वो होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3 plus y1 plus y2 plus y3 divided by 3, ठीक है, दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक्चुअली आगे जो बताने जा रहे हैं वो आपकी मिसिलिनियस एक्सरसाइज में दे रखा है, सेंट्रॉइड तो जनरली भी में भी दे रखा है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। अब देखिए सेवन फॉर्मूला, जैसे मान लो हमको निकालना है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर दो चार बार पूछा गया है आपके मिसिलिनियस में और एक्सरसाइज में भी पूछा गया था, मिसिलिनियस मतलब समझ रहे हो ना, लास्ट वाले जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम सेट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, तो सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे, सर्कम सरकम सेंटर, आइए जरा सरकम सेंटर निकाल देखो, वैसे तो हमने किया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मान लो सेम ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, एबीसी ले लेते हैं, ठीक है ना, तो मान लो ये हमारा ए कॉमा बी हो गया और ये कोऑर्डिनेट हमको ए कॉमा बी मतलब कुछ और ले लो, और क्या ले लो भाई, एम कॉमा एन ले लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलो m, n, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ठीक है ना, और इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल m, तो कुछ नहीं करना, एक बार इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक बार इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक बार इसके और इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। एक्चुअल में सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है, सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि वो सर्कल जो इन तीनों वर्टेक्स को, इन तीनों वर्टेक्स को टच करके जाने वाला सर्कल ही क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर, इन तीनों पॉइंट से टच होकर जाने वाले सर्कल के ही सेंटर को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा सर्कल अगर कुछ गलत बना होगा तो बुरा नहीं मानिए, ठीक है, इन तीनों वर्टेक्स को टच होके जाने वाले पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इन तीनों वर्टेक्स को टच होके जाने वाले ही पॉइंट को ही क्या बोलते हैं भाई, उस पॉइंट को बोलते हैं
सरकम, मतलब उस सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। सो कोई डरने वाली बात है? अब हर कोई दुनिया जानती है, जग जानता है कि अगर ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक बार लेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक लेंगे और एक बार यहाँ से यहाँ तक लेंगे, कोई भी दो डिस्टेंस लोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगी, सॉल्व हो जाएगा, हमने ड्यूरिंग द एक्सरसाइज किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर कैसे फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इधर ही एट पॉइंट देख लो, देट इज सेवन, सेवन के बाद एट देखिए आठवां पॉइंट। अगर हमको प्रूफ करना है कोई पैरेललोग्राम है ना, अगर हमको प्रूफ करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो कैसे प्रूफ किया जाएगा? ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, ए बी का स्लोप निकालो, बी सी का स्लोप निकालो, सी डी का स्लोप निकालो और ए डी का स्लोप निकालो, है ना। तो यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी आना चाहिए, है ना। ए बी का जो स्लोप है इसके बराबर होना चाहिए, सिमिलरली ए डी, ए डी का जो स्लोप है वो आपके बी सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कोई भी साइड आपस में परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम की एक भी साइड परपेंडिकुलर हो गई तो पैरेललोग्राम फिर आपका रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है, कोई दिक्कत? और हमने कुछ पढ़ा था ऐसा कि जो बताने लायक है, है ना। मोस्ट ऑफ द हमारे क्लास 10 के सिलेबस में इतना ही दे रखा है, ठीक है ना। देन इसके बाद हाँ एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो, चलिए जरा यहां भी बता देते हैं ऐसे लाइन खींच के। जैसे सेवन के बाद एट पॉइंट देख लो, अच्छा एट के बाद नाइन्थ देख लो, जरा नाइन्थ देख लो, नाइन्थ देख लो। याद रखो जब भी स्क्वायर बोलेगा कि जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल मैं आपको ए बी सी दे दूं, ठीक है, मैं आपको ए बी सी, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ए बी सी मैं आपको दे रहा हूं, इस बात को ध्यान रखो, ये ए बी सी और डी, और मैं बोलूं क्या ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में आपको तीन चीजें, दो चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला तो आपको डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इसकी चारों साइड सेम आएगी, जग जानता है स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, लेकिन दुनिया यह भी जानती है कि रोमबस की भी चारों साइड सेम होती है, दुनिया यह भी जानती है कि रोमबस की चारों साइड सेम होती है, फिर दुनिया वालों को कैसे बताओगे कि यह सेम आ जाएगा, है ना। फिर यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, स्लोप ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा एंड स्लोप ऑफ बी सी निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ सी डी निकालना पड़ेगा एंड स्लोप ऑफ ए डी भी निकालना पड़ेगा। इन सब का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा और सब आपस में, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से ज्यादा है मैंने बताया नहीं परपेंडिकुलर कैसे होगा, है ना। आइए इफ मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे मान लो एक लाइन आपकी P और Q हो गई, है ना, एक ये हो गया, दूसरी लाइन मान लो आपकी ये ऐसे हो गई A और B, मैंने स्लोप ऑफ PQ निकाला और स्लोप ऑफ AB निकाल लिया। अगर स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ AB हो गया, इसका मतलब लाइन क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, मतलब लाइन क्या हो गई हमारी, पैरेलल हो गई, ठीक है। लाइन आर पैरेलल, लाइन आर पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट इधर ही देखो, अगर स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना आ गया आपका, माइनस वन आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना आ गया, माइनस वन आ गया, मतलब लाइन क्या हो गई हमारी, लाइन PQ एंड लाइन AB आर परपेंडिकुलर, लाइन AB इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर। चलिए तो ये हो गया हमारा सिक्स पॉइंट। एक बार फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, डिवीजन फॉर्मूले में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन दे रखा है। सर इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? देखो वैसे तो सोचने वाली बात है भी नहीं, लेकिन आपको जानना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, मैंने वो ड्यूरिंग थ्योरी बता रखा है। आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ यही डिवीजन दे रखा है, तो ज्यादा सोचो मत, सिर्फ ये डिवीजन पढ़ लो, बात खत्म, ज्यादा सोचना ही नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बात खत्म इधर ही, राइट। चलिए अब बात करते हैं, तो डिवीजन फॉर्मूला में सबसे पहला पॉइंट याद रखना, जब भी रेशियो पूछेगा, जब भी रेशियो पूछेगा, गलती से भी m रेस टू n अज्यूम नहीं करना है, लैम्डा रेस टू 1 मानो या फिर m रेस टू 1 मानो,
किसी एक पार्टी को वन मानना ही मानना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि फॉर्मूला क्या है, ये तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बचपन वाली बातें, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती। फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रॉइड का होता है x1 प्लस x2, ये हमारा फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रॉइड है, नहीं बता रहे इसके बारे में, ठीक है ना। और अगर एक चीज सुन लो, जो सेंट्रॉइड बनता है, वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से बनता है, व्हाट इज द मीडियन, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मीडियन वो लाइन होती है, मान लो आप इस वर्टेक्स से इस लाइन पे गिरा रहे हो, तो इसको ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मीडियन क्या होती है, जिस लाइन पे गिरेगी उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब ये हमारा पॉइंट जो हो गया वो मिड पॉइंट हो गया, है ना। ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, डीई होगा, डी हो गया, ठीक है। तो सेंट्रॉइड किससे बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से बनता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन जिस वर्टेक्स से पास होगी उसके अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, राइट। मीडियन जिस वर्टेक्स से पास होगी उसके अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, राइट, मतलब वो उसको बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखिए, ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, मीडियन क्या होता है मैंने उधर ही बता दिया, सो नो नीड टू लाइक पैनिक। देन इसके बाद सर्कम सेंटर कैसे निकालना है, सर्कम सेंटर निकालने का अभी कोई मेथड नहीं है, आगे कोई भी मेथड नहीं, हमेशा हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में यही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला वाला मेथड यूज करते हैं। कैसे निकालना है, ए बी सी आपको पॉइंट दिया होगा, बोला होगा इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर बताइए, तो कैसे बताया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन एम बी और डिस्टेंस बिटवीन एम ए, कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब एक यहां से यहां और एक यहां से यहां लेना है, या फिर ये ये या फिर ये ये, कोई भी ले लो, और वहां से दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल जाएगी, काम हो जाएगा, हमने सॉल्व किया, जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर कभी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है कि ये हमारा पी ए आर ए पैरेललोग्राम है, अगर आपको प्रूफ करना है कि ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू डी सी, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू बी सी कर दो, पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कभी आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो पहली बात तो डिस्टेंस तो इक्वल बतानी ही पड़ेगी, डिस्टेंस इक्वल बतानी पड़ेगी, साथ में स्लोप को भी बताना पड़ेगा कि स्लोप में क्या रिलेशन है, है ना। अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो स्लोप क्या होता है, सेम होता है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप इज सेम, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, इफ लाइन आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। ये पूरा हमारा क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन हो गया, ठीक है। दिस इज माय कंप्लीट, इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलूंगा, ये हमारा क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन, ठीक है। अब हम आगे करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चलिए फटाफट लिख लो इसको।